स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे शिव शंकर सैनी, देखिए आज हम क्लास 10 के साइंस में चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट स्टडी की और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में स्टडी की। देखिए, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल नाम का, उस मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है ये भी ड्रॉबैक में आएगा। उस मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी उस मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में, जैसे कि सेंटर हो गया और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, तो वो कंटिन्यू अपनी एनर्जी का लॉस करेगा और एनर्जी का लॉस करने की वजह से उसका जो पाथ है वो डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होने के साथ साथ एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, ये बताया मैक्सवेल ने कि कोई भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल जो है अगर अपनी एनर्जी का लॉस करेगा तो उसके सर्कुलर पाथ उसका डिक्रीज होगा और वो एंड में एट लास्ट न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं होगा, यानी एटम स्टेबल नहीं होगा। कहने का मतलब एटम स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड इस मैक्सवेल थ्योरी को समझाने में अनसक्सेस रहा कि किस तरह से एटम स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें ड्रॉबैक में, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, विल रिलीज इट्स एनर्जी, ड्यू टू विच इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, देयरफॉर इट विल फॉल डाउन, इन द न्यूक्लियस, में गिर जाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बट इन फैक्ट इट इज नॉट द केस, यानी इलेक्ट्रॉन के मामले में रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन इट, रदरफोर्ड इसको समझाने में अनसक्सेस रहा, ये भी उसका ड्रॉबैक हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर, एक कंसेप्ट ऑफ नील्स बोर। देखिए, नील्स बोर ने फिर कुछ कंसेप्ट है एटम के बारे में, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल को छोड़कर, अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी अदर ऑर्बिट में, किसी अदर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो अपने एनर्जी का लॉस करते हैं, साथ के साथ कई बार गेन भी करते हैं।
इससे उसका जो एनर्जी का बैलेंस है वो बना रहता है और वो अपने पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इसके कुछ कंसेप्ट थे, इसके कुछ फैक्ट हैं जो इन्होंने समझाया नील्स बोर ने। तो नील्स बोर गेव ए, तो जाएगा इसमें नील्स बोर गेव ए कंसेप्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन, हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसी के बेस पे उन्होंने समझाया एटम के स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन के बेस पे इन 1913। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या क्या बताया इन्होंने अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। नंबर वन क्या बताया इन्होंने, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इन विच पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें पॉजिटिव चार्ज के जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नंबर टू सेकंड फैक्ट क्या बताया उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डेफिनिट सर्कुलर पाथ। एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इनको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट में क्या बताया उन्होंने, देखो इनको जो ये ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स को उन्होंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन, इनको एन से रिप्रेजेंट किया। He represented these orbits as K, L, M, N.
के एलिमेंट से इन्होंने रिप्रेजेंट किया एंड डियर वैल्यूज आर ऑलवेज इन होल नंबर इन होल नंबर इनकी जो वैल्यू थी वो होल नंबर में थी, यानी एन की वैल्यू किस किस के लिए, के एल एम एन के लिए क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 ठीक है, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे बात करते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है ठीक है सेंटर में, फिर यहाँ पर ये फर्स्ट एन बराबर 1 और इसका नाम क्या है के सेल या के ऑर्बिट, फिर सेकंड ठीक है थोड़ा बनाने में ऐसा हो गया एन की वैल्यू 2 और इसका नेम एल, ऐसे ही आगे एन की वैल्यू 3 और इसके जो वैल्यू नेम है इसका एम से रिप्रेजेंट किया इसको ठीक है। ये ऑर्बिट्स हो गए, कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं आगे और बढ़ोगे आगे एन ठीक है, आगे वो इस तरह से बढ़ते जाते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है तो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी यहाँ पे एन इज इक्वल 1 फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल पहले 1 थी फिर धीरे धीरे 2 हुई फिर धीरे 3 हुई फिर आगे 4 होगी, तो डिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ती जाती है ठीक है, और साथ के साथ इसमें एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। नंबर 4 पॉइंट क्या बताया उन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, यानी एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच वो भी बढ़ती जाती है, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स ऑल्सो इंक्रीजेज, और ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाती है ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है वो भी बढ़ती जाएगी कंटिन्यू। इसके अलावा नंबर 5 देखो, किस कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो अपने ही सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर पाएगा कब, जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है उसका, यानी अभी देखो बात करते हैं आगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स should be equal to nh upon 2pi or its multiple यहाँ पे n क्या है ऑर्बिट की नंबर, यानी फर्स्ट सेल में h upon 2pi, सेकंड सेल में h upon pi, थर्ड सेल में 3h upon 2pi, इस तरह से हो जाएगा ठीक है। यानी जो एंगुलर मोमेंटम हम mvr से रिप्रेजेंट करते हैं, mvr m यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, और r रेडियस है ठीक है, रेडियस किसकी, ऑर्बिट की, न्यूक्लियस से और ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस, और mvr इज इक्वल क्या होना चाहिए, nh upon 2pi ठीक है, ये होना चाहिए इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको ठीक है। ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम अगर इसके इक्वल होगा तो ही इलेक्ट्रॉन उसमें मूवमेंट कर सकता है वरना नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, देखो यहाँ पे वेयर एच इज इक्वल
वेयर एच इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एम यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फैक्ट हैं इसके नील्स बोर के, उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए।